मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, उठते ही पानी पिए तो मुंह साफ करके पिए या बिना मुंह साफ करके पिए। हमेशा आयुर्वेद का ध्यान रखिए, बिना मुंह साफ किए पानी पिए। मुंह साफ करने की आपको अगर तीव्रता है तो रात को सोने से पहले मुंह साफ कर लें। जब आप सोने जा रहे हैं ना, दांत साफ कर लें, दंत मंजन कर लें, दातुन कर लें, जो करना है, फिर सो जाएं मुंह साफ करके। उठते ही कुल्ला नहीं करना, क्योंकि उठते ही कुल्ला किया तो अंदर की लात हो गई, वो तो अंदर जाने के लिए, फेंकने के लिए। सुबह के लार के बारे में आपने सभी जैन संतों के मुंह से सुना होगा कि ये थूक आकर महापाप। मैंने वो करके देखा, एक बार मैंने एक जैन संत के मुंह से ये सुना। एक जैन संत है आचार्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज, उनके मुंह से सबसे पहले मैंने सुना कि ये थूकना नहीं चाहिए, हिंसा होती है। बैठ गई बात दिमाग में, फिर ये अष्टांग हृदय पढ़ना शुरू किया, आयुर्वेद की जानकारी ली तो समझ में आ गया। महाराज साहब को मैंने पूछा क्यों नहीं थूकना चाहिए, तो उन्होंने कहा बहुत पाप लगता है। तो क्यों पाप लगता है, तो उन्होंने कहा थूक के देखो जीव मर जाते हैं। तो मैंने एक दिन करके देख लिया सच में क्यों। मेरे घर के आसपास एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत चींटियां निकलती हैं, मैंने वहां थूक दी और थोड़ी देर के बाद घूम के आया तो सब चींटियां मरी। कारण क्या है, सुबह के मुंह की लार बहुत ज्यादा क्षारीय होती है, एल्कलाइन बहुत होती है, और ज्यादा क्षारीय चीज भी दम निकाल देती है किसी, जैसे उंगली चीज निकाल देती है वैसे ज्यादा चार से भी, तो मर गई चीटियां। तो धर्म ने तो उसको हिंसा और अहिंसा से जोड़ दिया, लेकिन इसी बात को आयुर्वेद ने जोड़ा आपके शरीर के स्वास्थ्य से कि सुबह की लार क्योंकि ज्यादा क्षारीय है तो अंदर ले जाओ ताकि अंगों को शांत करे, थूको मत इसको। तो इसके कुल्ला नहीं करना, दांत साफ नहीं करो, उठते ही पानी पियो। पीने का तरीका याद रखना, घूट घूट सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा, ताकि लार पूरा आराम से अंदर जाती जाए और आपके पेट की अम्लता को शांत करती जाए। ये एक नियम, इसके आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सुबह उठते ही पानी पीना, दिन की शुरुआत पानी से करना, तो इसका आधा हिस्सा छूट गया, रात का अंत दूध से करना। तो रात को दूध क्यों पीना, ये बात मैं पहले कह चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं कि रात का समय हमारे पेट में ऐसे पाचक तंत्र सबसे ज्यादा होते हैं जो दूध को पचाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि दूध पी लो ताकि पाचक रस है उनका भी उपयोग हो जाए और दूध की एक एक बूंद आपके शरीर के काम है। तो दूध पी के सोना और उठते ही पानी पीना, ये नियम आप अपने बच्चों में डाल दीजिए संस्कार के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्ञान को संस्कार में डालने की परंपरा है। जिस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना हो वो बच्चों में डाल दो संस्कार में, तो बच्चे आगे लेके जाएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों को संस्कार दे देंगे, फिर उनके होंगे, फिर वो, और इस तरह से ये हजारों साल चलता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसका उपयोग करें और अपने बच्चों को भी उपयोग करने के लिए।